आशा करी गत दुटी क्लासेर भिडियो तुम्हारे भलो लेगे। आज के नतून विषय नहीं आलोचना करब। आज के तुम्हारे तीन टी शब्द शिखाब एवं एर अर्थ शिखाब एवं एगुलो दिए वाक्य क्यों तैरी करते पारबे ता शिखाब। तुम्हारा ऊपर देखते पाच्छो तीन टी शब्द देवा रही है। प्रथम हलो लंग अर्थ लम्बा, शर्ट अर्थ खाटो, दा अर्थ टा बा टी। हमें इंग्रेजी वाक्य जदि पढ़ी इज दिस पेंसिल शर्ट, ये सब बांगला हलो ए पेंसिलटी की खाटो। उत्तर हिसाब से देखते पाच्छी नो दिस पेंसिल इज नॉट शर्ट बाट इट इज लंग। अर्थात ये सब बांगला हलो ना ए पेंसिलटी खाटो नय एटी लम्बा। तारपरे आबार नतून एकटु प्रश्न करते पारि इज दिस पेंसिल लंग, ए पेंसिलटी की लम्बा बा एर साबल्य बांगला ए पेंसिलटी की लम्बा। अर्थात उत्तर हिसेबे देखते पाच्छि नो दिस पेंसिल इज नॉट लंग बाट इट इज शॉर्ट। ना ए पेंसिलटी लम्बा नय किंतु एटी खाटो। अर्थात ए साबल्य बांगला जदि आमरा देखी ना ए पेंसिलटी लम्बा नय एटी खाटो। नीचेर वाक्यगुलो जोरे जोरे उच्चारण करुन किंतु इंग्रेजीतेई अर्थ बोझार चेष्टा करुन। दिस रोड इज नॉट लॉन्ग बट इट इज शॉर्ट। दिस रोप इज नॉट लॉन्ग बट इट इज शॉर्ट। दिस स्टिक इज नॉट लॉन्ग बट इट इज शॉर्ट। दिस रिवर इज नॉट लॉन्ग बट इट इज शॉर्ट। दिस पाइप इज नॉट शॉर्ट बट इट इज लॉन्ग। आज के आमरा आरो दुटी इंग्रेजी शब्द शिखते पारी जेमन लार्ज अर्थ बड़, स्मल अर्थ छोट। आमरा जदि वाक्य तैरी करे पढ़ी इज द बक्स अर्थ बक्सटी की, इज द बक्स लार्ज बक्सटी की बड़। एर उत्तर हिसेबे देखते पाच्छी नो द बक्स इज नॉट लार्ज। अर्थात साबल्य बांगला हलो ना बक्सटी बड़ नय किंतु एटी छोटो। इज दिस रूम स्मल, घरटी की छोटो। नो द रूम इज नॉट स्मल बट इट इज लार्ज। ए साबल्य बांगला हलो ना घरटी छोटो नय किंतु एटी बड़। तारपरे आमरा आरेकटी प्रश्न देखते पारी इज द टेबिल स्मल, टेबिलटी की छोटो। उत्तर हिसेबे देखते पारी नो द टेबिल इज नॉट स्मल बट इट इज लार्ज। ए साबल्य बांगला हलो ना टेबिलटी छोटो नय एटी बड़। नीचेर वाक्यगुलो जोरे जोरे उच्चारण करुन किंतु ইংরেজিতেই এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন। দিস বল ইজ নট লার্জ বাট ইট ইজ স্মল। দিস স্কুল ইজ নট লার্জ বাট ইট ইজ স্মল। দিস এরিয়া ইজ নট লার্জ বাট ইট ইজ স্মল। দিস মার্কেট ইজ নট স্মল বাট ইট ইজ লার্জ। দিস প্রবলেম ইজ নট স্মল বাট ইট ইজ লার্জ। দিস পার্ক ইজ নট স্মল বাট ইট ইজ লার্জ। উপরের বাক্যগুলো বুঝে বুঝে নিচে এবং আপনার খাতায় লিখুন। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া রয়েছে, এই যেভাবে আপনারা লিখুন দিস বল ড্যাশ ড্যাশ দিস ড্যাশ ড্যাশ। এভাবে আপনারা প্রশ্ন তৈরি করে নিজের নিজেই অ্যান্সার করতে পারবেন। আজকে তোমরা এতটুকুই শিখো, পরবর্তী ভিডিওতে আমরা তোমাদেরকে আরো নতুন কিছু শিখাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।